हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मुझे हंसी आती है जब कोई मेरे आसपास से गुजर जाता है और मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ। तो देखिए, ये डेकोरेशन थी हमारी दिवाली के टाइम की। ये कितने अच्छे से डेकोरेशन की हुई है। ये मंदिर है हमारा, प्यारा सा मंदिर। ये डेकोरेशन बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत सही। और चलो, वैसे अभी मैं, ये है अभी संडे है आज, और संडे मॉर्निंग है, जो कि मॉर्निंग बहुत लेट हुई है। 12 बजे सुबह हम सो के उठे थे। मैं वैसे तो 8 बजे उठ गया था मैं, लेकिन थोड़ा बहुत चाय वाय में थोड़ा, कितना मतलब आज डेट क्या है, व्हाट्स द डेट, आज 14 नवंबर, 14 नवंबर जेठ है आज। तो हम निकल रहे हैं वैशाली के घर के लिए, बिकॉज आज कुछ वीडियो शूट करनी है। मैंने सोचा कि आज व्लॉग शूट कर लिया जाए, बहुत टाइम हो गया। और दिवाली के टाइम पे भी बहुत, मतलब मैं साफ़ सफाई में लगा हुआ था, ऑफिस की साफ़ सफाई में लगा हुआ था, तो इस चक्कर में व्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ पाया ना। मैं क्या है कि धूल मिट्टी वगैरह उड़ती, मेरा नवा नवा कैमरा आएगा तो मैं सोच रहा था कि ख़राब ना हो जाए ये कैमरा, वरना मेरे पे इतने पैसे नहीं कि इसको ठीक करा दूँ मैं। मतलब वो बात नहीं है पैसे वाली, लेकिन एक थोड़ा सा डर तो रहता ही है कि अगर आपकी कोई प्यारी सी चीज़ ख़राब हो जाए तो दुख तो होता है ना यार। पैसे तो चलो ठीक कराने में जाएंगे, लेकिन दुख तो होता है। चलो बाय, फिर मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में। यहाँ झाड़ू लग रही है। साइड प्लीज, साइड प्लीज, मेरे को किचन में जाना है। आप किचन से बाहर आइए। तो अपने को कुछ खाने को चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं खानी। कुछ हेल्दी सा चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने को, कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि क्या मिल सकता है। मैं तो सोचता हूँ कि अभी उसने भी कुछ मंगाया है खाने को, लेकर जाता हूँ। और कोशिश रहेगी कि रोज़ व्लॉग डलते रहें, आप जो एक हफ्ता व्लॉग डिले हो गए थे वो ना हो। वैशाली के घर आया हुआ हूँ, और इतने टाइम बाद मैंने आपको, मतलब आज दिखाऊंगा कि वैशाली कौन है। अरे खोल ना जल्दी, ब्लॉग शूट करते हुए आ रहा हूँ मैं। हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तेरे को ले रहा हूँ मैं। मतलब ये देखो, जब इसको बोला था वैसे तो मैंने पहले इसको ऑलरेडी कि व्लॉग शूट करते हुए आऊंगा मैं, तो सच धज के बैठ गया पहले तो से ही। मैं तो पाव खाऊंगी ना भाई, मैं तो पाव खाऊंगी। अरे पहले मैं बता रहा हूँ, मुकुंद गौतम को भी बुला लिया मैंने यहाँ पे। तो वो लोग आए नहीं, तो उनका कॉल भी नहीं मुझे। नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ फोन करके। एक मिनट, मैंने मुकुंद गौतम को फोन वैसे कर तो दिया था कंफर्म। यार जल्दी आए, तो बोला हुआ था पहले से तो आना चाहिए था ना। एक मिनट ना, मुकुंद को फोन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, अबे कहाँ रह गए, मैंने तुमको बुलाया था ना, बोला था वैशाली के घर आ जाओ। गौतम को, गौतम को लेकर आइए, उसको लेने के चला आइए घर पे उसके। अरे हाँ, उसके घर के बाहर ही खड़े, वो पंचर लगवा रहे हैं यहाँ पे। हम दोनों मिल गए भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी है जल्दी है, तू बता। हाँ तो तू बता ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देख वैसे व्लॉग में मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि वैशाली वैशाली, जैसे कि बीच में मैंने एक दो बार जिक्र भी किया था, तो आज लाइव देखने को मिल रहा सबको कि वैशाली है कौन। गाइस जज मत करना प्लीज, मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया। नहीं वैसे वेट तो मेरे को भी कम करना है यार, वैसे बहुत ज्यादा हो गया है मेरा वेट। नहीं नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा, ये सिर्फ बोलता है कुछ। ये वाले चने खाओ। हाँ, दिस इज द चने, ये है डाइटिंग वाला खाना भाई साहब, यही खाओ। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा बंदा, मतलब
उबला उबला जब पहले पतला हुआ था जिस टाइम में उबला हुआ ही खाता था मैं, दाल हमेशा उबली हुई, रोटी तो छोड़ दी थी बीच में मैंने। अभी बीच में मुकुंद का ब्लॉग आया था ना, मुकुंद गौतम का, तो उसने भी सेम वही चीज कहा कि खाना छोड़ दिया उसने। मेरे ख्याल से खाना छोड़ना हर किसी की बॉडी के ऊपर मैटर करता है। हाँ जी, अब बताइए क्या कह रहे थे आप? तो ये थी कि मेरी डाइट अलग है, पीनट बटर ये है वो है। एग्जैक्टली, मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि तू वैसे से भी संडे ही है, मैंने बोल ही दिया जैसे आपको कि संडे कुछ भी खा सकते हैं वैसे। बट ये चीट डे के लिए ना मुझे अपने ट्रेनर को पहले फंसाना पड़ेगा कि भैया प्लीज आज के लिए चीट डे अलाउ कर दो मेरा, बिकॉज़ मुझे चीट डे अलाउ नहीं है। बट स्टिल दोस्तों के लिए कुछ भी हो सकता है। गाइस चल तो डाले मुकुंद का कॉल है लगता है, आ गया है यार, इसी में है ना, साथ में ही है इसके अंदर जूस वाली गली होगी। उससे अंदर आ जा कि कुछ स्ट्रीट ही है यार, उसको बोल तो वही पतली गली में जो। कोई नहीं, मैं तेरे को लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी पहुंच। हाँ लाइव लोकेशन भेज दे, सही है। वैसे गाइस अगर यहाँ लाइटिंग की थोड़ी कमी लग रही हो ना आपको, तो उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक ही ट्यूबलाइट है। इसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक आधी लाइट और लगा के रखी हो, लाइटिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने बेशरम ने माना ही नहीं। क्या ये देखिए, ओए होए होए होए, चला 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 चला, क्या था ये कब लगाया तूने? लेकिन ये भाई ये लाइटिंग इस घास के अंदर तो भाई साहब गजब लग रही है, गजब। अरे घर पे बैठे बैठे और क्या करें, घर को ही ऑफिस बनाएंगे ना। सही बात है, ये यहाँ पे इसने तामझाम रखा है अपने ऑफिस का, पीसी वगैरह। तो यहाँ पे कितनी मतलब सैटरडे संडे छुट्टी होती है इसकी, तो बाकी दिन काम में बिजी रहती है बेचारी। तो मुकुंद गौतम आ रहे हैं कितनी देर में आ रहे हैं? हाँ ये सही है यार, ये सही है भाई साहब, ये लाइटिंग बढ़िया लग रही है। अब तो लाइटिंग ऐसा लग रहा है वो उजाला उजाला हो गया फेस पे, मेरे फेस पे भी थोड़ा उजाला आ रहा होगा वैसे। अच्छा तो गेट पे आ गया। जा खुल गया, ये ले कैमरा ले जा, चल छोड़ ले आ ले। मैं गाइस पता क्या सोच रहा हूँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ घर पे यही लाइटिंग लगाई जाए। भाई साहब उजाला आ गया। पहली बार ये वैशाली के घर आए हैं, ये भी आया है। ये देखना भाई साहब कितनी बढ़िया लाइटिंग है, ये लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। ये इसी का ही तो है, और क्या मस्त है भाई। अरे मेरे को भी घर पे लगाना यार, मैं भी नहीं, मैं खुद सोच रहा था यार, अभी मैंने एक ब्लॉग मैंने शूट किया था जिसमें मैं बोल रहा था, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं की वीडियो के अंदर। मेरे को भी सेम ऐसा स्टूडियो घर पे अपने कमरे को बनाना है। तेरा कौन सा कमरा है? तू तो घर में सुधर। क्या है ना, क्या करे कि इज्जत है ही नहीं घर पे, हम क्या करें। हो गई शाम से सुबह और इनकी नहीं आई, जब से नहीं आई इनकी घर पे महबूबा। वाह 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 वाह। अरे मैं ये कह रहा था, और हम विशाली से तो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। विशाली अभी क्या कर रही तू? मेकअप करके बैठी है विशाली। अपना यही चेहरा नजर आता है। कैमरा देखते सब कॉन्शियस क्यों जाते हैं? एक पंचर का एक रुपया लिया जाता है। 120 रुपए। एक पंचर का एक रुपया, मतलब कहने का अर्थात समझो 50 रुपए का एक पंचर, और 3 पंचर निकले तो 150। ये नहीं कि कोई डिस्काउंट दिया जाए उसके ऊपर।
हाँ ये भी बात सही है, ये होता है 120 रुपए का प्लेयर है भाई, 120 रुपए जब दे दे भाई हमारा पेट्रोल भरवा। मैंने क्या कहा था, घर आते आते इनके पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, फिर ये पेट्रोल भरवाने के लिए दोस्त फोन करते हैं कि भाई साहब आप फोन पे करो फिर मैं आऊंगा आपके घर। देख इलेक्ट्रिक मैंने पहले बोल दिया था पापा लेकर जाएंगे, तो पापा ले गए थे वैसे तो, क्योंकि मेरे को पता था कि पापा लेकर जाएंगे। तो मुझे अपना फोन में से फोन पे अनइंस्टॉल करना है। हाँ कर रही है, ये फोन मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है, ये फोन कर रहे हम चलाते ही नहीं है, सिर्फ प्राइस में डील करो। यस ओनली नो कार्ड्स। देखिए दोस्तों ये आपको मतलब गलत शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे, दोस्तों साथ दें ना करें। दोस्तों जनवरी से खुल रहे हैं ऑफिस, लगी है सबकी वाट, आइए सब मिलके खाते हैं बढ़िया सी एक चाट। वाह 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 वाह, क्या बात है ये। अभी अभी मैं आपको बता दूं, अभी अभी शायरी इजाद हुई है, ये कहीं नहीं सुनने को मिलेगी आपको इसी ब्लॉग में। हाँ बोलिए। ज्यादा खाएंगे चाट तो घर वालों से पड़ेगी डांट। हाँ ये भी सही बात है, ये भी अभी अभी इजाद हुआ है। मेरे घर पे डांट नहीं लाज चलती है, हाँ मेरे घर में प्रवास है नहीं। सही बात है, और इनके घर में तो सीधा मुक्के लात चलते हैं, मुक्का लात चलती है, मुक्का लात। कितने पतले हो गए मुक्का लात खा खा के, आटे की तरह इन्हें मर दिया जाता। मैंने जब पंचर मैंने बोला था, पंचर मैंने बोला था, अच्छी बात बोलूंगा कैमरे में कि तेरे सारे सब्सक्राइबर्स सोचेंगे कि हम क्या क्या बातें करते हैं। पंचर मैंने बोला था क्या, पंचर हाँ। तो पापा सुन लेंगे तो फिर ज्यादा वो मेरी ऐसी तैसी होगी। अंकल जी के साथ चला गया, अंकल जी पैरी कोना जी के साथ गया ना तू, आगे पीछे ये तो कुदरत और क्या। अरे तो कुछ मंगाते हैं ना यार, बैठ के क्या कर रहे हैं खाली। हाँ, खा पहले पानी लेके आते हैं। हाँ तो पानी ले, पानी ले। देखो सारे काम औरतों को करने पड़ते हैं। पेप्सी लेकर आई हो, पेप्सी मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। कोल्ड ड्रिंक लिया, पर्सनल बातचीत में बताता हूँ आपको। मयंक की एक गर्लफ्रेंड है वैसे, उसने घर वालों को बिना बताया उसे छत पे रखा हुआ है, अभी बताएगा नहीं आपको बता रहा हूँ। और अगर ये सीन कट गया तो इसका मतलब इस हरामी को पता चल गया कि एडिटिंग इसके हाथ में है ना, दिक्कत ये है। ठीक है, ये आपको मेरा सीक्रेट है। देखिए बिल्कुल ब्रांडिंग नहीं है, BILRI 500 बिल्कुल ब्रांडिंग नहीं है। बिल्कुल भी ब्रांडिंग नहीं है, सिनेमैटिक शॉट तो बिल्कुल भी नहीं है इसका। ठीक है दोस्तों, कहीं ये मत समझना कि हमने सिनेमैटिक निकाले हैं। ठीक है, ये गलत जगह के सिनेमैटिक आ गए। चल मंगा ले, मंगा ले। चलो गाइस अब सीधा खाने पे मिलते हैं आपको, अब हम कुछ मंगा रहे हैं खाने के लिए। फाइनली वैशाली, जब लड़की घर आता तो ये होता है, देखो आती पानी लाई लड़की, खाने को पूछ रही है, बहुत बढ़िया लड़की किसके है, घर जाओ। भाई साहब कोई भी जो देख रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो एक बार दिखा, सुशील लड़की, बस सुशील कन्या है, सुशील कन्या देखिए। सुशील कन्या को हंसी नहीं आ सकती क्या, हंसी भी है, हंसी नहीं आ सकती। हाँ खाना आ चुका है, खाना आ गया जी, यही चाहिए, यही जनता चाहिए अपने को। भाई जल्दी भाई खाना बोलो भाई। ओ भाई ये कौन सी ड्रिंक्स है, ओरिगैनो कह रहा है ये बंदा, बताओ हमारा नहीं, हमारा तो खर्चा बच गया भाई, हमारा खर्चा बच गया और क्या। अगर स्विगी वाला घर पे देने आता तो पैसे हमें देने पड़ते, तो इसी बंदे को हमने स्विगी वाले के पास भेज दिया और पेपर वाले यूज़ करते हैं। हाँ, पेपर वाले यूज़ करते हैं। वाह, लॉस्ट इन फ्लेवर से। अबे एक बार मैंने शायद खा रखा है इसका, मैंने मंगा के। नहीं मैंने एक बार मंगा के खाया हुआ है, टेस्ट तो सही लगा था मेरे को वैसे।
अबे खाना खोल जल्दी खाना खोल यार। क्या मस्त पार्टी हो गई यार, बियर पार्टी। मजा आ गया। विशाली के घर ही आऊंगा। सुनो पहले जो चीज दी भाई सैनिटाइजर यूज कर लो। हाँ भाई मेरे को तो कैमरा है मेरे हाथ में यार। गाइस दूरी बनाए, सैनिटाइजर का पूरा यूज करें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह। पहली बार देखो गाइस ऐसे है, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसे सैनिटाइजर वगैरह भी दे रहा है। वाला तो ग्रेवी मोमोज हो, तो देख के पता लग रहा है तू क्या बता रहा है। सही बात है। ग्रेवी है कौन से? अब जो भी है वैसे तो पनीर वाले होंगे। मैं पनीर वाले कर रहे थे। नंबर लग रहे हैं ये कुरकुरे मोमोज है वाले। भाई सही लग रहे हैं एकदम। भाई साहब शक्ल कितनी मस्त लग रही है यार। अबे जब तुम खाओगे ना भाई साहब मजा आ जाएगा। भाई मैं इनकी बात पे मैं इसलिए भरोसा करता हूं क्योंकि ये ना अच्छे टेस्ट करते रहते हैं। हां ये भाई ये पूरी अच्छी जगह से खाता है। देखिए इतने दिल से बूढ़ी वाली लुक कर रखी है बिल्कुल। गाइस देखो 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 ये देखिए ये दिखा दिखा। ओ भाई साहब इतनी सिनेमैटिक का मजा आ गया। ओ भाई साहब ये मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मैंने मंगाया है स्ट्रॉबेरी, ये ब्लू ड्रिंक। भाई कुछ चीजें सजेशन तो मतलब कवेंटर वाली बोतल लगी। मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैंने मंगा ली 3-4 ड्रिंक। वैसे अब ये आप हमारा खाना फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे आप। भैया ये कुरकुरे मोमोज में क्या बात है, मैंने कितने मिठाई अभी तक दिल्ली में। क्या बात है भाई, सब में तेल। ये पहला ऐसा मोमोज था ना जिसमें तेल नहीं। सही बात है। टेस्टी। गोती रियल को एंड मुकुंद का अगला व्लॉग। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये बिल्ली भी कुछ कहना चाहती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव लव गाइस। आप प्लीज कहिए कुछ नहीं कहिए। मतलब सारे बंदे बेइज्जती मारने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब बेइज्जती मारनी है मेरे को, मेरी बेइज्जती मारनी है ग्रुप के अंदर। बताओ जो मनाए वो करो। मतलब है कि दा एमके व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। जो मनाए करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना द एमके व्लॉग्स को। और कमेंट भी। थैंक यू। कमेंट करो, चाहे गंदे कमेंट करो पर करो। गालियां दो पर दो। कुछ तो करो। ताकि जहां से आपने खाना मंगाया वो कहां से मंगाया? लॉस्ट इन फ्लेवर से। फ्लेवर से जरूर मंगाओ। जरूर उससे जरूर मंगाएं। लॉस्ट इन फ्लेवर वाले भैया पैसा दो, फ्री में कर रहे हैं तुम्हारा सब कुछ। और आपका मेन काम है द एमके व्लॉग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और कमेंट बहुत सारे करने हैं। और दोस्तों और अब हम सब बैठे हैं तो एक ट्रिप प्लान हो रही है यहाँ पे जाने की कहीं अच्छी जगह। गोवा तो जो कभी पूरा नहीं होता। नहीं गोवा तो नहीं हो सकता, वो बात सही है। एक ट्रिप प्लान हो रही है यहाँ से घर जाने की। छोटी ट्रिप है पर बढ़िया ट्रिप है। वीडियो जरूर देखना विंटर सीजन। मैं कहाँ से ट्रिप मारूंगा, मेरा ही घर है। जाएंगे अच्छी जगह जाएंगे, आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। ब्लॉग मैं 3 ब्लॉग से लगातार बोल रहा हूँ पर ये व्लॉग ऐसा होने वाला है बहुत लंबा, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। अब हम थोड़ी अपनी बातचीत करते हैं और फिर सब क्योंकि कैमरे पे बोल सकते थे पर मंदिर जाना है। सवाल समाप्त। हां आप होने सही बात है। सुबह के रात के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। मांगेगा लोगों से बहुत मांगनी पड़ती है भैया, भीख मांगनी पड़ती है। हर यूट्यूबर का जैसे ही चैनल खोलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब यही मांगता रहता है। अरे कुछ और मांग ले यार। क्या पता तेरी मुराद पूरी हो जाए, कोई देख रहा हो वीडियो कुछ ऐसा मांग लेके तो तेरी पूरी हो सके। बस अंत में यही कहूंगा खुश रहो, कुछ भी सिचुएशन हो खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहो बस खत्म।